अभी जो आपने शॉर्ट फिल्म देखी, मैं चाहूंगा कि मुर्तजा अली खान साहब जो एक बड़ी उम्दा फिल्म समीक्षक है, युवा फिल्म समीक्षक है, और जिन्होंने इंटरनेशनल फिल्म पे बहुत अद्भुत आर्टिकल्स लिखते रहे हैं और तमाम जितने भी टीवी डिजिटल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर इनकी लगातार सक्रिय उपस्थिति बनी रहती है। मुर्तजा अली खान एक सांस्कृतिक पत्रकार हैं और फिल्म समीक्षक हैं। इसके अलावा पिछले 10 सालों से अनेक कलात्मक क्षेत्रों में सक्रिय रहे, हो चाहे कला का विषय हो, संस्कृति हो, सिनेमा हो, और इनके लगातार उपस्थिति से हम सब वाकिफ हैं। आज हमें खुशी है कि आज इस कलावर्ता के पहले आयोजन में मुर्तजा अली खान हमारे बीच उपस्थित हैं, और मैं आपको आमंत्रित करूँगा मुर्तजा जी को बुलवाएं और अपने शब्दों से आपके विचार रखें। और मैं ये भी चाहूँगा कि इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमें बताएं। ये फिल्म दरअसल क्या कहते हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो पहली बार इस तरह की फिल्म देख रहे हैं, अमूर्त कला की फिल्म देख रहे हैं, और बहुत सारे प्रसंग हैं जो मुझे लगता है कि कलाकारों के अलावा बहुत लोग नहीं समझ सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा विस्तार से आप बताएं। और हमारी जो अगली फिल्म है क्रिस्टोफर नोलन की डूडल बग, उसके बारे में भी एक प्रीफ्रेस रखें ताकि हम इस सत्र को हम आगे बढ़ा सकें। मुर्तजा अली खान, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अरविंद जी और अशोक जी का, बहुत ही कमाल का सेशन था, हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा आगाज़ हो सकता था हमारे इस कार्यक्रम का। और उसके बाद फिर हमने एक बहुत ही कमाल की फिल्म देखी। ये फिल्म पहली बार लगभग मैंने आज से 12 साल पहले देखी होगी, और इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था 2011 में जो द हिंदू में पब्लिश हुआ था, जिसमें मैंने अपनी 5 मोस्ट फेवरेट फिल्मों के बारे में जिक्र किया था, और ये उनमें से एक थी। इस फिल्म के बारे में सबसे ख़ास बात जो कही गई है वो ये है कि रॉजर ईबर्ट जो महान अमेरिकन फिल्म क्रिटिक थे, उन्होंने कहा है कि दुनिया की सबसे फेमस शॉर्ट फिल्म, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये दुनिया की सबसे फेमस शॉर्ट फिल्म है, ये सच में दुनिया की सबसे फेमस शॉर्ट फिल्म है। क्योंकि अगर हम तकरीबन 90-92 साल हो चुके हैं इस फिल्म को आए हुए, पहली बार जब इसको प्रदर्शित किया गया था सल्वाडोर दाली और लुइस बुनेल ने, तो तब से इसको सिनेमा के शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट रहा होगा जिसने इसको ना देखा हो, जिसने इसको फ्रेम के लेवल पे एनालाइज ना किया हो। तो दुनिया जहान के बड़े बड़े फिल्म इंस्टीट्यूट्स में, दुनिया जहान के बड़े बड़े फिल्म पे लिखने वाले स्कॉलर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, वो इसको फ्रेम के लेवल पे स्टडी करते हैं। तो यानी कि रोका जाता है इस फिल्म को और एक फ्रेम के हिसाब से देखा जाता है। अच्छा, इस फ्रेम में तो आपको समझना होगा कि अगर 1 सेकंड के अंदर 24 फ्रेम है, जो एक स्टैंडर्ड रहता है, आगे पीछे हो सकता है कई बार, लेकिन अगर 24 फ्रेम है तो 1 सेकंड में 24 बार जो फ्रेम बदला जाता है, तो अगर ये 19 मिनट्स की या 18-19 मिनट की फिल्म है तो आप समझ लीजिए कि उसमें कितने सेकंड्स होंगे और उसमें कितने फ्रेम होंगे। तो एक एक फ्रेम पे इसको स्टडी बहुत जगह किया जा चुका है समझने के लिए। अब मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ क्यों इसको फ्रेम के लेवल पर स्टडी किया जाता है, क्योंकि बहुत ही चलाकी के साथ बहुत सारी चीज़ें इसमें छुपाई गई हैं। अगर आप फिल्म को चलते हुए देखेंगे, अभी मैं अपने मित्र यहाँ पे जो हैं मीनू जी, उनको बता रहा था कि जो वो सीन जब आता है जब आंख को ब्लेड से स्लाइस किया जाता है, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और हम सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि तो बहुत ही पेनफुल एक तरह से डिपिक्शन है, और उसको कैसे बहुत ही चालाकी के साथ उसको उन्होंने, उस जमाने में VFX भी नहीं होता था, हमें समझना होगा 1929 की बात कर रहे हैं, तो सिनेमैटिक इफेक्ट्स, फिल्म्स के सुपर इम्पोजिशंस, इमेजेस के साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़, लाइटिंग का बहुत ही इनोवेटिव यूज़, उस तरह से उन्होंने इसको क्रिएट किया। वो हाथों से जो सीन आपने देखा कि चीटियां बाहर निकल के आ रही थी, वो भी कोई स्पेशल इफेक्ट से क्रिएट किया हुआ सीन नहीं है, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के थ्रू उन्होंने उस जमाने में जब फिल्म बहुत ही नया माध्यम था, उस जमाने की उनके पास टेक्निक्स मौजूद नहीं थी, सिंपल टेक्निक्स थी, या तो सुपर इम्पोजिशंस कर सकते थे, या कैमरा एंगल के साथ कुछ कर सकते थे, लाइटिंग के साथ कुछ कर सकते थे, उन सब चीज़ों के थ्रू ही उन्होंने इस फिल्म को बनाया। और इसलिए इस फिल्म को इतनी महान फिल्म माना जाता है और स्टडी किया जाता है, और पिछले 90 सालों से इसको लगातार लोग स्टडी कर रहे हैं, और हर बार जब इस फिल्म को देखते हैं तो उनको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। मैंने तकरीबन ये फिल्म 10-15 बार देखी होगी, और इस बार मैंने देखा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ बहुत ही नई लगी मुझे, बहुत सारी नई नई चीज़ें मुझे इस फिल्म को देख के अनुभव हुई, और मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने कहा ये एक कमाल की फिल्म है, तकरीबन इसको आप 100-200 बार भी देख लेंगे तो हर बार आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा।
अब अरविंद जी ये तो बता ही चुके हैं कि इस फिल्म की शुरुआत दो बेसिकली ड्रीम से हुई थी। एक सपना जो था वो लुईस बुनेल ने देखा था कि उनको सपने में दिखता है कि ब्लेड से वो एक किसी की आंख काट देते हैं, और साथ ही साथ उसके साथ उनके दिमाग में एक और थॉट चल रहा होता है कि जो बादल हैं वो जब आसमान से गुजर रहे हैं तो वो चांद को उसी तरह से काट देते हैं। तो ये दो इमेजेस जो हैं, ब्लेड से आंख को काटने का और बादल जो है चांद को दो पार्ट में जो काट देता है, एक ड्रीम तो ब्यूनेल ने देखा था, दूसरा ड्रीम देखा था साल्वेदोर दाली ने, और उन्होंने ये ड्रीम देखा था कि उनके हाथों से सडनली चींटियां निकल के आ रही हैं। अब दाली जो हैं बहुत बड़े सरियलिस्ट हैं, और प्रॉब्ली अगर मैं बात करूं तो 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े आर्टिस्टों में, सबसे महान आर्टिस्टों में उनका शुमार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसी तरह से लुईस बुनेल भी, अगर 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी के फिल्मकारों में, अगर हम 20वीं शताब्दी के मैं उंगली पे भी गिन सकता हूँ 5 या 10 जो सबसे बेहतरीन और सबसे प्रमुख फिल्म मेकर्स हैं, जिसमें कि अगर हम सत्यजीत रे का नाम ले सकते हैं, अकीरा कुरुसावा का नाम ले सकते हैं, फेडरिको फेलिनी का नाम ले सकते हैं, इंगमार बर्गमैन जो स्वीडिश फिल्म मेकर थे, आंद्रे तार्कोस की जो रशियन फिल्म मेकर थे, साथ ही साथ उसमें आपको स्पेनिश फिल्म मेकर लुईस बुनेल का भी नाम लेना होगा। और लुईस बुनेल की खासियत क्या है कि उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत यूरोप में करी, स्पेनिश फिल्म मेकर थे, फ्रेंच फिल्म बना रहे थे, उस जमाने के बहुत बड़े फिल्म मेकर जॉन एप्स्टीन जो थे उसके असिस्टेंट थे ये, और उनके साथ काम कर रहे थे। लेकिन इनको उनका स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इनको लगता था जो जॉन एप्स्टीन का जो फिल्म मेकिंग स्टाइल है वो स्पून फीडिंग करते हैं, हर चीज़ में तर्क निकालते हैं, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, और अल्टीमेटली ऑडियंस को बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझते हैं, गधा समझते हैं। उनको लगता है कि हमारी ऑडियंस जो है वो खुद समझने की उसमें कुछ काबिलियत नहीं है, तो हर चीज़ दिखाई जाती है, हर चीज़ थाली में परोस के दी जाती है, तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही थी। तो एप्स्टीन के साथ इन्होंने कुछ फिल्में बनाई, और जॉन एप्स्टीन के जो गुरु थे बहुत ही बड़े महान फिल्मकार एबल गांस, जिन्होंने कि बहुत ही वर्ल्ड सिनेमा की प्रॉब्ली वन ऑफ द अर्लीस्ट एपिक्स नेपोलियन बनाई थी, और वो उस जमाने में बना रहे थे, 1920 की जो शतक था, सॉरी दशक था, उसके अंत की बात है, और उस जमाने में वो नेपोलियन बना रहे थे। तो जॉन एप्स्टीन उनको कहते हैं कि तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मुझसे मिल रहा है, लेकिन अगर तुम एबल गांस के साथ काम करोगे, लुईस बुनेल को उन्होंने कहा, तो शायद तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और तुम उनके साथ जाओ और नेपोलियन तो उनके असिस्टेंट बन जाओ। तो अब लुईस बुनेल सोचिए कुछ 20-25 साल की उनकी उम्र होगी बहुत ही, और उन्होंने कहा कि मैं एबल गांस जैसे दकियान उसी फिल्म मेकर के साथ काम करके अपना करियर बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है एबल गांस के साथ काम करने में, मेरी जो समझ है सिनेमा को लेकर उनसे बिल्कुल अलग है। तो जॉन एम्स्टीन बहुत नाराज़ हो जाते हैं, कह रहे हैं तुम गाली देते हैं जो मैं यहाँ नहीं दे सकता, और कहते हैं कि तुम जैसा नौसिखिया दो कौड़ी का फिल्म मेकर, तुम अपनी तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई कि तुम एबल गांस जैसे महान फिल्म मेकर के साथ काम करने से मना कर रहे हो, जाओ कल से आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको फायर कर देते हैं कि कल से आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम जैसे इंसान के साथ काम नहीं करना जो इतने महान मेरे गुरु, जिनके बारे में मतलब बड़े बड़े दुनिया के फिल्म मेकर जिनको जिनके पैरों में जाके बैठ जाते हैं, तुम उनके बारे में बोल रहे हो, तुम उनसे सीखना नहीं चाहते। तो अब लुईस बुनेल जो है वो भी बड़े पक्के सोच के व्यक्ति थे, उनको था कि यार मुझे अपनी तरह का सिनेमा बनाना है, ये जॉन एप्स्टीन की तरह का सिनेमा और एबल गांस की तरह का सिनेमा तो बिल्कुल भी नहीं बनाना। तो वहाँ उनकी दोस्ती होती है उन दिनों में पेरिस में साल्वादोर दाली के साथ, और ये जो फिर अभी अरविंद जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि कैसे वो एक दूसरे के साथ अपने इन सपनों को डिस्कस करते हैं और इस फिल्म तैयार होती है। अब कमाल की चीज़ ये है कि जब फिल्म तैयार हो जाती है और फिल्म जब दिखाने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो लुईस बुनेल को ये डर था कि जब हम फिल्म दिखाने जाएंगे, अरविंद जी ने भी बताया इसको, तो हमारी पिटाई हो जाएगी। आपने देखा होगा इस फिल्म को, आज भी अगर आप देखते हैं, चाहे वो ब्लेड का सीन हो, चाहे उसमें जो और चीज़ें दिखाई जा रही हैं, आज भी हम लोग तो चलिए कला से जुड़े हुए हैं और थोड़ा फिल्म को समझते हैं, अगर आज भी मैं इसको किसी नॉर्मल थिएटर में रिलीज कर दूं तो हो सकता है कि पत्थरबाजी हो जाए, कुछ लोग नाराज़ हो जाएं, कुछ लोग वॉकआउट कर जाएं, कुछ लोगों को पसंद ना आए। तो उस ज़माने में लुईस बुनेल को पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो वो जेब में छोटे छोटे पत्थर कंकरियाँ लेके गए थे, उनकी दोनों जेबों में छोटे छोटे से पत्थर और कंकर वगैरह भरे हुए थे। उनको ये था कि अगर ऑडियंस ने मारना शुरू किया तो हम भी मार पीट के साइड से निकल लेंगे, किसी तरह से जान बचा के भागेंगे। लेकिन आप आर्टिस्ट की सोच देखिए, वो फिर भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं, उनको पता है कि पिटाई हो सकती है, उनको पता है कि इस तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार थे कि अच्छा ठीक है, अगर मारेंगे तो हम भी मारेंगे और साइड से निकल लेंगे। अब हुआ उल्टा, जब उन्होंने फिल्म लगाई और फिल्म चलाई तो हर कोई ताली बजाने लगा। अब यूजली आर्टिस्ट को और क्या चाहिए, आप किसी भी आर्टिस्ट से पूछ लीजिए, ज़्यादातर आर्टिस्ट पसंद करते हैं भाई उनके काम को लोग पसंद करें, सराहना मिले। पर लुईस बुनेल थोड़े दूसरी तरह के आर्टिस्ट थे,
उनको बहुत गुस्सा आया कि यार पसंद क्यों आ रही है मूवी, क्योंकि उन्होंने मूवी जो बनाई थी वो बोर्जुआ के खिलाफ बनाई थी, यानी कि जो उस जमाने का मिडिल क्लास था उसको बोर्जुआ, और हालांकि टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लोग बोर्जुआ जो लोग थे उनको रिडिक्यूल कर रहे थे, और जो ऑडियंस थी उसमें भी ज्यादातर बोर्जुआ लोग ही थे, तो उनको बड़ा अजीब लगा कि यार मैं इनकी बेइज्जती कर रहा हूँ, इनको ह्यूमिलिएट कर रहा हूँ, इन पे मजाक कर रहा हूँ, इन पे सटायर कर रहा हूँ, इनको पसंद आ रहा है। तो लुईस बुनेल ने जाके कहा कि बड़ा अफसोस के साथ, जब लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया, कि अब ऐसे लोगों का क्या कहा किया जा सकता है जिनको कुछ भी नया दिखाए उनको पसंद आ जाता है, चाहे उनको मैं दुनिया की सबसे बुरी चीज भी दिखा दूं, चाहे मैं उनकी मौत दिखा दूं, क्योंकि अगर आप लास्ट का सीन देखेंगे तो जो कैरेक्टर्स हैं वो दोनों आधे उनके धड़ तक आप देखे होंगे कि वो एक तरह से उनकी समाधि वहां बन गई है। अब वो वहां पे असली में जो उन्होंने स्क्रिप्ट में सीन लिखा था उसमें क्या था कि बहुत सारी मक्खियां आ जाती हैं और उनकी ग्रेव बनी हुई है वहां पे और वो दोनों लाशें सड़ रही हैं, और उस जमाने में VFX नहीं था, बजट का इश्यू था, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहूंगा लुईस बुनेल की मम्मी ने, उनकी माता जी ने इस फिल्म को स्पॉन्सर किया था, इनके पास कोई प्रोड्यूसर नहीं था, कुछ नहीं था, और ये एडिट करी थी इन्होंने अपने किचन में, तो उस जमाने का जो टेक्निकल इक्विपमेंट था उसके पास भी इनका एक्सेस नहीं था, तो अपने किचन में इन्होंने एडिट करी, अपनी माता जी के पैसों से बनाई, और 6 दिन में इन्होंने डाली के साथ ये स्क्रीन पे लिख लिया था। जब डाली के साथ ये स्क्रीन पे लिख रहे थे तो डाली और इनके बीच में सिर्फ एक ही चीज पे सहमति बनी थी, और यही चीज थी जो इन्होंने कहा कि हमारी इस फिल्म का एक डिसाइसिव पॉइंट होगी कि इसी के आसपास ही हमारी सारी स्क्रिप्ट बनेगी। वो ये था कि किसी भी चीज हमारी फिल्म में कोई भी ऐसा सीन, कोई भी ऐसा आइडिया नहीं होना चाहिए जिसमें तर्क दिया जा सके, हर चीज ऐसी होनी चाहिए जो तर्कहीन हो। तो अगर आप इस फिल्म का हर फ्रेम देखेंगे उसमें सेंस नहीं बनती है कन्वेंशनल सेंस में। तो वो क्योंकि एपस्टीन से बहुत ज्यादा नाराज थे और एबल गांस और उस तरह का सिनेमा जो हर चीज में तर्क देते थे, हर चीज में लॉजिक देते थे, वो उनको पसंद नहीं था, तो वो चाहते थे कुछ अलग तरह का सिनेमा बनाएं। और उन्होंने आपस में जब ये स्टार्ट किया तो पहली शर्त ये थी कि तर्क जब भी उस सीन का निकाला जाएगा या उस फ्रेम का निकाला जाएगा या उस आइडिया का निकाला जाएगा तो कुछ निकलना नहीं चाहिए। तो इस फिल्म को आप देखते हैं, इसका सम टोटल देखते हैं तो ज्यादा कुछ आपको समझ नहीं आता है। जब आप बार बार देखेंगे, इसको समझने का एक ही तरीका है साइको एनालिसिस के थ्रू। जब आप फ्रॉइडियन आइडियाज में जाते हैं, फ्रॉइड को पढ़ते हैं, साइको एनालिसिस, ड्रीम सीक्वेंसेस, ल्यूसिड ड्रीमिंग, जब आप उस जगह जाते हैं तब आपको धीरे धीरे ये फिल्म समझ आने लगती है कि बुनेल और डाली क्या करने चाह रहे हैं, लेकिन कन्वेंशनल सेंस में आप इस फिल्म को नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज का मसौदा तैयार कर लिया था कि हम इस चीज के साथ पूरी तरह से एग्री कर रहे हैं और अब हम इस फिल्म को बना रहे हैं। अब ये फिल्म बहुत बड़ी एक हिट फिल्म बन गई और पूरी दुनिया जहान के लोग इसके बारे में बात करने लगे कि अरे डाली जो इतने बड़े सरियलिस्ट हैं और लुईस बुनेल जो एक असिस्टेंट थे जॉन एपस्टीन की, इन्होंने फिल्म बनाई और इतनी कमाल की फिल्म बनाई है। इनफैक्ट वहाँ पे जो सरियलिज्म के फाउंडर्स थे वो लोग भी वहाँ पे आए हुए थे, आंद्रे ब्रेटोन आए हुए थे और आंद्रे ब्रेटोन को भी वो फिल्म पसंद आ गई और आंद्रे ब्रेटोन ने अपनी जो सरियलिस्टिक मूवमेंट थी उसका हिस्सा बना लिया सल्वाडोर डाली और लुईस बुनेल को, और इसी तरह से वो पहले फिल्म मेकर बने जो सरियलिज्म की मूवमेंट का पार्ट बने, क्योंकि उससे पहले सरियलिज्म राइटिंग में थी, आर्ट में थी, पेंटिंग में थी, अलग अलग चीजों में थी, पर सिनेमा में नहीं थी। तो यहाँ पे सिनेमा की शुरुआत हुई और इसलिए कई लोग लुईस बुनेल को फादर ऑफ सरियलिज्म इन सिनेमा भी कहते हैं। और डाली के साथ फिर उनका जो ये सफर है थोड़ा आगे बढ़ा और उन्होंने अगले साल एक और स्क्रीन प्ले पे काम करना शुरू किया और वो फिल्म थी लार्ज डोर नाम की फिल्म जो 1930 में आई। पर जब वो लोग उसके स्क्रीन प्ले पे काम कर रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर उनमें मतभेद हो गया। डाली जो थे वो चाहते नहीं थे जो बुनेल जो हैं, बुनेल का जो काम है और उनका बॉडी ऑफ वर्क अगर आप समझेंगे तो ऑर्गेनाइज रिलीजन को लेकर हमेशा उनकी एक बहुत ज़्यादा क्रिटिक रही है, ऑर्गेनाइज रिलीजन को हमेशा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और कई बार उनको एंटी कैथलिक भी समझा जाता है जबकि वो एंटी कैथलिक नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके व्यूज इतने ज्यादा बोल्ड हैं, इतने ज्यादा जो क्रिटिसिज्म रहता है उनका, सटायर रहता है, उससे कई बार जो कैथलिक्स हैं उनकी उनको कई बार ठेस भी पहुंच जाती थी पहले। अब बुनेल के वर्क को दोबारा से एसेस किया जाता है तो अब लोग उसको ज्यादा अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, तो डाली को उस वक्त लगा कि ये ज्यादा हो रहा है और डाली जो थे उन्होंने लुईस बुनेल से एक तरह से मतलब उनका जो पार्टनरशिप है वो टूट गई। तो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो डाली उस फिल्म का पार्ट नहीं थे, पर काफी हद तक क्योंकि इन्होंने काम साथ किया था, आइडिया साथ डिस्कस किए थे, तो अभी भी इसको माना जाता है बुनेल और डाली कोलैबोरेशन। और डाली उसके बाद फिर क्योंकि इतने मशहूर सरियलिस्ट थे और इस फिल्म को बनाने के बाद तो उनका फेम अगर पहले यहाँ था तो अब फेम उनका यहाँ पहुंच गया था, तो उनको हॉलीवुड में बुला लिया और उनको हॉलीवुड में बहुत नाम हुआ। बड़े बड़े उस जमाने के फिल्म मेकर्स थे, उनको बुलाते थे सेट्स बनाने के लिए, प्रोडक्शन डिजाइन करने के लिए। इनफैक्ट 1945 में मशहूर अमेरिकन फिल्म मेकर, इनफैक्ट ब्रिटिश अमेरिकन फिल्म मेकर बोलना चाहिए, एल्फ्रेड हिचकॉक जब अपनी फिल्म स्पेलबाउंड बना रहे थे
तो उन्होंने कहा कि इसमें ड्रीम सीक्वेंस है, उसके लिए मैं चाहता हूँ सेट डिज़ाइन आप करें। तो दाली को उन्होंने स्पेशली हॉलीवुड बुलाया और दाली से वो सीन डिज़ाइन करवाया। और ऐसे अगर आप पढ़ेंगे सल्वादोर दाली के बारे में तो बहुत सारे फिल्मकार आपको मिलेंगे जिन्होंने उनसे प्रोडक्शन डिज़ाइन करवाया, ड्रीम सीक्वेंसेस बनवाए, क्योंकि उनको लगता था कि डाली से अच्छा कोई ये काम नहीं कर सकता। इनफैक्ट डाली का इन्फ्लुएंस आपको आगे जाके इटालियन फिल्म मेकर फेडेरिको फेलिनी के भी काम में दिखेगा। अगर आप फेलिनी की फिल्म देखेंगे 8 and a Half, या आप उनकी अगर उसकी बाद की फिल्म्स देखेंगे जिसमें आपको सरियलिज्म के एलिमेंट्स दिखते हैं, तो वहाँ पे आपको दाली का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मिलता है और साथ ही साथ फ्रॉइड का इन्फ्लुएंस भी मिलता है। पर अगर दाली से हट के थोड़ा सा मैं लुईस बुनेल के बारे में और बात करूँ, तो लुईस बुनेल की खासियत जो मुझे हमेशा लगती है एज अ फिल्म मेकर कि बड़े ही लुईस बुनेल टाइप फिल्में बनाते हैं वो। ये तो बर्गमैन ने भी, द ग्रेट स्वीडिश फिल्म मेकर इंगमार बर्गमैन ने भी कहा है कि लुईस बुनेल की खासियत क्या है कि आप एक दो फ्रेम देखने के बाद बता देते हैं कि लुईस बुनेल की ही फिल्म है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके अंदर एक ब्यूनल एलिमेंट्स रहते हैं, तो उनके एक सर्टन स्टाइल है, वो एक सर्टन तरह से रिलीजन को पोर्ट्रे करते हैं, एक सर्टन तरह से सोसाइटी भी क्रिटिक करते हैं, बॉर्जुआ को एक सर्टन तरीके से दिखाते हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आस्क करते हैं अपनी सोसाइटी में जो हो रहा है उसको दिखाते हैं। जैसे उनकी एक बहुत फेमस फिल्म है, यहाँ मैं इसमें डूडलबग, इससे पहले मैं क्विकली से डूडलबग पे आऊँ, एक लास्ट में उनकी एक फिल्म जो मुझे बहुत पसंद है उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ, वो फिल्म है विरिदिनिया। और ये फिल्म आई थी 1961 में और इसको कान में पाल्म द्योर मिला था। और ये फिल्म फेमस है, या इनफेमस कहूँ, जो लास्ट सपर जो बड़ी फेमस पेंटिंग है उसको एक तरह से उस सीन को रिक्रिएट करती है और उसको फिर उस सीन को ब्रेकअप कर देती है पूरी तरह से, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर देती है। तो उस ज़माने में वेटिकन को बहुत बुरा लगा था वो, और उसको लेके इस फिल्म को बैन कर दिया गया था। उस ज़माने में जो स्पेनिश डिक्टेटर थे उन्होंने कहा था इस फिल्म के सारे प्रिंट्स को लेके जला दो, राख कर दो। तो उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है जो बुनेल की जो सोचने की तरीका था दुनिया को लेके, उनका जो एक समझ थी उसको दिखाता है कि एक कुत्ता है जो एक हॉर्स कार्ट के साथ बना हुआ है और हॉर्स कार्ट तेज तेज भाग रही है और वो कुत्ता बेचारा घसीटता घसीटता उस हॉर्स कार्ट के साथ जा रहा है। तो उस फिल्म का जो सो कॉल्ड हीरो है वो उसको देखता है और उसको तरस आ जाता है कि अरे ये क्या बुरा हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको रोकता है और क्या हॉर्स कार्ट वाले को बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तो कह रहा है कि आप खरीद लो कुत्ता अगर आपको इतना तकलीफ हो रही है। तो वो वहाँ पैसा दे के कुत्ता खरीद लेता है और वो कुत्ते बेचारे को आज़ाद कर देता है। अब ये सीन यहाँ खत्म हो जाता है, कैमरा पैन करता है और ब्यूनल रोड की दूसरी तरफ आपको लेके जाते हैं, उसी तरह से एक और हॉर्स कार्ट एक और कुत्ते को घसीटता हुआ दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहा होता है। तो ये आप इसको ब्यूनल का अगर आप समझें उनका जो नज़रिया था सिनेमा को लेकर, इसको आप सिनिसिज्म भी कह सकते हैं, इसको आप उनका एक आर्टिस्टिक नज़रिया भी कह सकते हैं। तो इस तरह का आपको अपील दिखती है और यहाँ पे भी आपको वो ज़रूर दिखी होगी। तो ब्यूनल की फिल्म्स आप ज़रूर देखिए, आई थिंक इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती लुईस बुनेल की फिल्म्स का। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, उनका अर्ली फेस फ्रांस में है, उसके बाद वो मैक्सिको जाते हैं, मैक्सिको में कमाल कमाल की फिल्म्स बनाते हैं। एल नाम की उनकी फिल्म है जो मैस्कुलिन जेलिसी पे सबसे अच्छी फिल्म है कि पुरुष कितना ज़्यादा जलन या कितनी ज़्यादा जेलिसी महसूस कर सकता है, इनसिक्योरिटी महसूस कर सकता है। एल नाम की फिल्म है, आई थिंक 1952 में फिल्म आई थी, बहुत ही कमाल की फिल्म है, मेरी एक पसंदीदा फिल्मों में से एक है लुईस बुनेल की। उसके बाद उन्होंने नजारेन नाम की एक फिल्म बनाई जो कि प्रीस्ट और क्रिश्चियनिटी के आइडियाज़ को फर्दर डिस्कस करती है, एक्सप्लोर करती है। और जब ब्यूनेल दोबारा से 60 के दशक में वापस आते हैं यूरोप में, तब वो बहुत कमाल कमाल की फिल्में बनाते हैं और जो उनकी बेस्ट फिल्म्स हैं प्रॉब्ली उसी एरा में आई हैं। अगर हम बात करें द डिस्क्रीट चार्म ऑफ बर्जुआजी की, अगर हम बात करें दी ऑब्स्क्योर ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर की जो कि प्रॉब्ली उनकी लास्ट फिल्म है उनके करियर की, तो ये सारी फिल्म्स देखनी चाहिए, सेलिब्रेट करनी चाहिए। बेले द जियोर एक और फिल्म है जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। तो ब्यूनेल की शुरुआत आई थिंक सबकी आज यहाँ हो चुकी है और मैं आपको आमंत्रण देता हूँ कि ब्यूनेल की और फिल्म्स देखें। और मैं अरविंद जी से भी आग्रह करूँगा कि आगे जाके अगर मौका मिलता है तो ब्यूनेल की कुछ और फिल्म्स ही हम दिखाएं। और आखिर में मैं थोड़ा सा आपको क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म जो आज हम देखने जा रहे हैं डूडलबग, उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो नोलन को आज हम जानते हैं एक बहुत ही बड़े फिल्म मेकर के नाम से जो हॉलीवुड में बिलियन डॉलर की फिल्म्स बड़े आसानी से डिलीवर कर देते हैं। यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं और जो लोग हॉलीवुड से अच्छी तरह से चर्चित हैं उन सब ने मुझे यकीन है बैटमैन फिल्म ज़रूर देखी होंगी, डार्क नाइट देखी होगी, बैटमैन बिगिंस देखी होगी, डार्क नाइट राइजेस देखी होगी, इंसेप्शन देखी होगी, आई एम श्योर इंटरस्टेलर देखी होगी,
प्रेस्टीज देखी होगी और अभी डनकर्क उनकी आई है और इस तरह की फिल्म्स जो बनाते रहते हैं, एक तरह से मास्टरी है उनकी उस तरह की फिल्मों को बनाने में, जिसको माइंड बेंडिंग शब्द यूज़ किया जाता है कि नरेटिव के साथ खेलते हैं और उनका जो नॉन लीनियर नरेटिव है वो बड़ा कमाल का होता है और जिस तरह से वो नोआ को एलिमेंट फिल्म नोआ के जो क्लासिक हॉलीवुड के एलिमेंट्स हैं उसको एक मॉडर्न टच देते हैं और बहुत ही कमाल का एक रियलिज्म लेके आते हैं, क्योंकि बैटमैन सीरीज हमेशा कॉमिक बुक थी तो कॉमिक बुक के अंदर एक थोड़ा गॉथिक अपील होती है, एक कॉमिक की अपनी दुनिया होती है, पर जब नोलन उसको बनाते हैं तो उसके अंदर एक रियलिज्म आता है और बहुत ही अलग तरह का एक थ्रिल एलिमेंट भी उनकी फिल्म्स में दिखता है। पर डूडल बग प्रॉबेबली वो फिल्म है जहाँ सब शुरुआत होती है, ये एक तरह से स्टूडेंट फिल्म ही कह सकते हैं, जो वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे उन दिनों में एज अ स्टूडेंट फिल्म मेकर और उनको लग रहा था कि कितना उनकी समझ है इस सिनेमा की मीडियम पे, क्योंकि आसान नहीं है सिनेमा के मीडियम, तब भी आसान नहीं था ल्यूस बुनेल के वक्त और आज भी आसान नहीं है। आपको वो स्टोरी कहने के लिए 2 मिनट भी मिल सकते हैं, 2 घंटे भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको उस माध्यम की समझ नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि आपको स्टोरी कैसे कहनी है, किस तरह से कहनी है, क्या आपका स्टाइल रहेगा, तो आप बहुत बुरी तरह से निराश भी हो सकते हैं, जैसा कि हम हाल ही में बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों के साथ देख रहे हैं कि करोड़ों लगा के फिल्में बन रही हैं पर वो कहना जो चाह रहे हैं वो सही से कहने का तरीका शायद ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो नोलन ने जब ये फिल्म बनाई तो 2-2.5 मिनट की फिल्म थी और प्रॉबेबली नोलन भी उन्हीं फिल्म मेकर्स को देख के बड़े हुए हैं, जिनमें से लुइस बुनेल एक हैं, इंगमार बर्गमैन हैं, अकीरा कुरुसावा है, स्टीवन स्पीलबर्ग हैं, तो क्योंकि वो फिल्म स्कूल से आते हैं और एक पढ़े लिखे फिल्म मेकर हैं तो उनका सिनेमा को लेकर बहुत ही एजुकेटेड माइंड सेट है, तो उन फिल्म मेकर्स में से एक नहीं है कि आप आए और आपने, क्योंकि आज मौका भी है आपके पास, आप फिल्म स्कूल जा सकते हैं, हालांकि कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है कि फिल्म स्कूल जाके ही आप अच्छे फिल्म मेकर बन सकते हैं, क्योंकि फिल्म स्कूल में आप जाते हैं तो आपका एक्सपोजर लेवल अच्छा हो जाता है, तो ये नोलन के पास हमेशा से एडवांटेज था और इसीलिए जब उन्होंने डूडल बग बनाई तो इसमें आपको दिखेंगे बहुत सारे, अरविंद जी ने बताया भी कि कहीं ना कहीं जो वहाँ शुरू हुआ था उनशिया नंदलऊ में आपको वो एक बड़े अच्छे अंजाम तक पहुँचते हुए दिखेगा डूडल बग की फिल्म, और वो भी सिर्फ 3 मिनट में, क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की बात कर रहे हैं, हम ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन इनसिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कला और सिनेमा और ये जो हमारी जो जीवन है उसका आपस में किस तरह का ताना बाना है, तो वहाँ पे ये फिल्म बड़ी कमाल की है। आप देखेंगे 2-3 मिनट के अंदर कैसे हमारे अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको दिखाते हैं कि एक कहानी है एक इंसान की जो एक रूम में है और बहुत ही परेशान है, शायद उसकी ज़िंदगी में वैसी चीज़ें नहीं हो रही जैसे वो चाहता था और उस परेशानी में उसके साथ कुछ होता है और उसको कुछ दिखता है और वो उस परेशानी को अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करता है और फिर आगे क्या होता है, ये 2-3 मिनट के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त तरह से पूरी की पूरी जो एक वर्ल्ड क्रिएट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने, ये मुझे लगता है कि तारीफ़ के लायक है और इसीलिए हमने इस फिल्म को आज रखा कि उनशियन अंदलऊ के साथ एक पैरेलल पीस हो, वो एक ऐसी फिल्म हो जो इतनी सारी जो चर्चा हुई है, जिसकी शुरुआत हमने बहुत कमाल की प्रेजेंटेशन में देखी अशोक जी की, उसके बाद जो हमने यहाँ पे डिस्कशंस देखी और इसका अंत किस तरह से किया जा सके, तो आई थिंक इससे ज़्यादा एक अच्छी तरीका नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा एक अच्छी फिल्म नहीं हो सकती। आज के इस पहले दिन का ये जो हमने कार्यक्रम आपके लिए लेके आए हैं और अरविंद जी और उनकी पूरी टीम को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, इसका अंत मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर हो सकता है डूडल बग जैसी फिल्म से, और सिर्फ 3 मिनट में आप देखिए कि कितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा अपनी इमोशंस का और सिनेमा की पावर बेसिकली आपको दिखेगी क्या है। थैंक यू।